बिहार बोर्ड में इंटर और मैट्रिक 2019 की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे छात्रों और छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। छात्रों को अब एग्जाम के वक्त मिलने वाली आंसर शीट में अपना नाम और दूसरी जानकारियां नहीं भरनी पड़ेंगी। इस बारे में खुद बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने मीडिया के सामने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पाली में परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले तक छात्र एग्जाम सेंटर पर पहुँच सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 की बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक की परीक्षाओं को लेकर तारीखों का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में बदलाव किया है। दीर्घ प्रश्न के अंदर से विकल्प को भी हटा दिया गया है। अब से पूर्ण विकल्प का भी प्रावधान होगा। बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि दीर्घ उत्तरी में पहले 4 प्रश्न होते थे, जो कि चारों में अलग अलग प्रकार के विकल्प होते थे, लेकिन अब से 8 दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से किसी 4 का उत्तर छात्र और छात्राओं को देना होगा। नए पैटर्न में प्रश्नों की कुल संख्या बढ़ जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने कहा कि इस बार के एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को आंसर शीट यानी प्रश्न पत्र में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए दी गई कॉपी में अपना नाम नहीं लिखना होगा। इसके साथ ही छात्रों को इसमें अपने नाम के साथ ही किसी अन्य जानकारी जैसे रोल नंबर या रोल कोड की भी जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर है, जिस तरह बिहार बोर्ड में नतीजे आने के बाद सरकार की फजीहत होती है और फिर नतीजे घोटालों में तब्दील हो जाते थे, उससे बचने के लिए सरकार ने नया तोड़ निकाला है। अब देखना होगा ये बदलाव कितना काम आता है।